10 रामबाण घरेलू उपाय डेंगू से बचने के लिए। दोस्तों, आजकल डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां डेंगू ने आक्रमण ना किया हो। सामान्य प्लेटलेट्स की उम्र 3 से 5 दिन होती है। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के उपाय। नंबर 1, पपीता। मलेशिया में हुए एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि डेंगू बुखार में ताज़ा और स्वस्थ पपीते के पत्तों का रस देने पर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में सहायता मिलती है। पपीते के पत्ते का रस आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको इसे पीने से उल्टी होती है तो यह नहीं लेना चाहिए। पपीते पका हुआ फल भी ले सकते हैं और उसे खा लें। नंबर 2, चुकंदर। चुकंदर से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीडेंट होते हैं और साथ में इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। रोगी को इसकी स्वादिष्ट और पाचक सब्जी बनाकर खिला सकते हैं या फिर इसका 10 ml ताज़ा जूस रोगी को दिन में 3 बार पिला सकते हैं। नंबर 3, कद्दू में प्रचुर मात्रा में विटामिन के होता है। प्लेटलेट्स की तरह विटामिन के भी शरीर में रक्त स्राव होने पर खून को जमाने का काम करता है। आप रोगी को कद्दू की सब्जी बनाकर दे सकते हैं या फिर रोज़ाना 150 ml कद्दू के रस में शहद मिलाकर भी दे सकते हैं और कद्दू की सब्जी भी ले सकते हैं। 5, गिलोय का रस बेस्ट प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसे लेने का तरीका है कि 10 गिलोय की बेल के टुकड़े तोड़कर उसे 150 से 2 लीटर पानी में उबाले और उसमें 5 से 7 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक और 2 चुटकी अजवाइन डालकर तब तक पकाएं जब तक पानी आधा न रह जाए। इसके बाद इसे ठंडा करके गुनगुना करके रोगी को खाली पेट देने से चमत्कारी लाभ मिलते हैं। गिलोय का रस लेने के 30 मिनट तक रोगी को कुछ भी ना दें। 6, कीवी। कीवी फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई, सी, ए, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बेहद लाभप्रद साबित होते हैं। कीवी सुबह और शाम खाने से प्लेटलेट्स संख्या तेजी से बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। 7, अनार। अनार एक पौष्टिक फल है। इसमें आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। रोगी को अनार के दाने खिला सकते हैं। इसे खाने से गैस भी नहीं बनती और रोगी का पाचन भी सुधरता है। अगर अनार का जूस देना है तो उसे घर पर ही तैयार करें और उसके बाद डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को जरूर दें। नंबर 8 है, बकरी का दूध। जी हाँ, डेंगू बुखार होने पर बकरी के दूध का सेवन बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए बकरी का कच्चा दूध दिन में 2 से 3 बार थोड़ी मात्रा में पीना लाभकारी होता है। नंबर 9, तुलसी। तुलसी और शहद का प्रयोग करने से भी डेंगू से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए तुलसी को पानी में उबालकर उसमें शहद डालकर पिया जा सकता है। इसके अलावा आप काढ़ा या चाय में तुलसी का प्रयोग कर सकती हैं। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बीमारियों से बचाव में सहायक होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में पानी का बड़ा महत्व है। शरीर में रक्त के निर्माण होने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी होना जरूरी है। व्यक्ति को रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। डेंगू से शरीर में पानी की कमी होना बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ उपयोगी सलाह है जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर पेट के अंदर की त्वचा लाल हो जाती है, जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ जाती है। ऐसी हालत में रोगी को कच्चा, भारी, तीखा और मसालेदार खाना नहीं देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, शराब और धूम्रपान से भी दूर रहना चाहिए। रोगी को एक से अधिक आहार देने की जगह कम कम दे, थोड़ा थोड़ा खाने को दे और बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई या चूर्ण नहीं लेना चाहिए, इससे हानि हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें
और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो।